नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 दिसंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश सरकार ने कॉलेज लेक्चरर की 1000 पदों पर और भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही नए कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हायर एजुकेशन की रिव्यू मीटिंग में यह घोषणा की। देश में युवाओं की क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए विभाग के अधिकारियों को पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है। इसमें सभी कॉलेजों में UGC समेत दूसरे जरूरी नॉर्म्स का प्रभावी इम्प्लीमेंट हो सके। CM ने कहा, करीब 1000 पदों पर RPSC से कॉलेज शिक्षकों के चल रही भर्ती का प्रोसेस जल्द पूरा किया जाए। साथ ही 1000 और पदों पर भर्ती की मंजूरी देते हुए इसका प्रोसेस भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। सिरोही जिले की पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 80,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामले में कोर्ट ने कहा कि 8 साल की बालिका पर लैंगिक हमला ही एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में दोष सिद्ध व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाना अन्याय है। बता दें कि पिंडवाड़ा थाने में 21 दिसंबर 2019 को पिता ने अपनी 8 साल की बच्ची से दुराचार का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि 18 दिसंबर को वह किसी काम से गांव से बाहर गया था। इस दौरान उसकी 8 साल की बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर के समय खन्नाराम नामक युवक आया और बेटी से दुराचार का प्रयास किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों को फोन कर पूछेंगे कि उनकी ऑनलाइन क्लास लगी है या नहीं। इस तरह सभी क्लास के बच्चों से ऑनलाइन क्लास की जानकारी ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में RTE राशि का भुगतान करने से पहले जांच की जाएगी। 17 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने कोरोना के दौरान 2020-21 के सत्र में स्कूलों में हुई ऑनलाइन पढ़ाई के सत्यापन के लिए यह तरीका अपनाया है। इससे पहले अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर जाँच करते थे। स्कूल की डिटेल का मिलान क्लास में मौजूद बच्चों की संख्या से किया जाता था। कोविड में बच्चों स्कूल में नहीं आए, इसलिए भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था। यह प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर होगी। बाड़मेर सदर थाने के पास में अनियंत्रित हाइड्रा मशीन ने सड़क पर खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक के सिर पर गंभीर चोट आई। युवक को जिला अस्पताल लाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा को जब्त कर चालक को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 68 के सर्विस लाइन पर माडपुरा निवासी ओम प्रकाश व बाबू खान खड़े थे, तभी वहां से गुजर रहे अनियंत्रित हाइड्रा ने पीछे से ओम प्रकाश को टक्कर मार दी। इससे सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के सूर्या सिटी में एक मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर से 1,00,000 रुपए कैश सहित सोने चांदी के गहने, लैपटॉप ले गए और घर में रखी एक LED TV को चोरों ने तोड़ दिया। मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ साले की शादी में गया हुआ था। जब घर आकर देखा तो घर के सभी ताले टूटे हुए पड़े थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मकान मालिक कामेश्वर प्रसाद परिवार सहित साले की शादी में गया हुआ था। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स टर्म 2 के लिए एग्जाम फॉर्म आज से ऑनलाइन भर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तिथि 20 दिसंबर रखी गई है। CBSE के अनुसार साल 2021 में फेल और किसी विषय में अपार्टमेंट वाले स्टूडेंट भी भाग ले सकेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो 2016 से 2020 साल की परीक्षा में फेल हो गए थे, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में भी विद्यार्थियों को बैठने का अवसर दिया गया है। 2021 के उत्तीर्ण उम्मीदवार जो एक या अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होना चाहते हैं और 2020 और 2021 के उत्तीर्ण उम्मीदवार जो एक अतिरिक्त विषय में उपस्थित होना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भाडोती मोड़ के पास बोलेरो और अल्टो कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास हादसा होने से पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी भागकर मौके पर पहुंचे और अल्टो कार के शीशे तोड़कर एक ही परिवार के पति पत्नी सहित 3 बच्चों को बाहर निकाला। अल्टो में सवार मलारना चौर निवासी सभी लोग झुलस गए। वहीं बोलेरो ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। अल्टो कार में लगी गैस किट के फटने की आशंका के चलते हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया।
पाली जिले के देसूरी थाने क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अवधि पार दवाइयां खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार देसूरी थाने के गुड़ा रूप सिंह निवासी मुकेश मेघवाल ने फांसी लगा ली। इधर औद्योगिक थाना क्षेत्र के चिमनपुर निवासी विवाहिता मंजू ने गलती से अवधि पार दवाइयां खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के लहास गांव के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मनोहर थाना निवासी तीन युवक कस्बे की अकलेरा की ओर जा रहे थे। इस दौरान अकलेरा से मनोहर थाना की ओर आ रही कोटा डिपो की रोडवेज बस ने लहास गांव के पास बाइक को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में बाइक सवार मोनू खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक नदीम और अनस गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की परीक्षा के आवेदन करने से वंचित रहे नियमित परीक्षार्थियों को आवेदन करने का एक और मौका दिया है। परीक्षार्थी अपने विद्यालय के माध्यम से 10 दिसंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बोर्ड में जमा करवा सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने बताया कि नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय के माध्यम से परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र 10 दिसंबर तक भर बोर्ड में जमा करवा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र के लिए विशेष शास्ति और दुगना परीक्षा शुल्क सहित 11,200 रुपये जमा कराने होंगे। वही प्रायोगिक परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.